साथियों भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग और उस क्रम में सबसे पहले मित्रों हम लोग प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या होता है उसको लेकर के चर्चाएं प्रारंभ कर रहे हैं प्रस्तावना किसी भी संविधान का सबसे सार तत्व होता है जैसे कि आपको जानकारी होगी संविधान अपने आप में किसी भी देश का विधि के रूप में सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है उसी प्रकार प्रस्तावना का संबंध संविधान से उस प्रकार से जोड़ा हुआ है जिस प्रकार से एक आत्मा का संबंध या एक हृदय का संबंध शरीर से जुड़ा हुआ है मैं धीरे धीरे इस सारी बातों पर पे चर्चाएं करना चाहूँगा क्या प्रस्तावना मूल संविधान में अलग थी और आज कुछ अलग दिखती है क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसी एक देश के संविधान से कॉपी की गई है क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों पर आज की ये चर्चा रहेगी प्रारम्भ करते हैं हम लोग आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना को मित्रों उद्देशिका भी कहा जाता है एक नाम इसका उद्देशिका भी है सबसे पहले तो मैं इसी बात पर जवाब दे देता हूं कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? संविधान सभा की बैठकें चल रही थी और संविधान सभा के पहले सत्र की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आउटलाइन क्या होगी भारतीय संविधान दिखने में होगा कैसा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होगी इस पर एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जिसे मित्रों उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है यानी कि ऐसा कह दूं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था अर्थ स्वीकार कर लिया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है तो प्रस्तावना कह दीजिएगा या उद्देशिका कह दीजिएगा दोनों एक ही अर्थ है अब हम लोग प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना में क्या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और उनके क्या मायने होते हैं क्या अर्थ होते हैं और उनको भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में क्यों जगह दी गई उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उससे हमारे संविधान पर क्या इफेक्ट पड़े वो सारे आस्पेक्ट्स पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा वहाँ पर हम लोग सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे सबसे पहले भारतीय संविधान की जो मित्रों प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से वी पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी समत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस प्रकार से मित्रों हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुल आठ पैराग्राफ हैं और इन आठ पैराग्राफों में पूरे भारतीय संविधान का जो सार है निचोड़ है वो इसमें संजोया हुआ है मैं एक एक शब्द को लेकर के उनकी गहराई से चर्चा करूंगा और उनके एग्जाम प्रस्पेक्टिव से कहाँ कहाँ मान्यताएँ हैं कहाँ है, कहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं कहाँ कहाँ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो बातें मैं करूँगा आपसे सबसे पहले मित्रों प्रस्तावना की स्टार्टिंग हो रही है हम भारत के लोग से हम भारत के लोग द पीपल ऑफ इंडिया इस शब्दावली को अमेरिका के संविधान से लिया गया है सबसे प्रमुख जानकारी की बात तो यही है कि यह शब्दावली है यूएसए के संविधान से कॉपी की गई है मित्रों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं विश्व के संविधानों की मैं बात करूं तो संविधान दो प्रकार के होते हैं एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान और यदि मित्रों मैं लिखित संविधानों की बात करूं तो उसमें सबसे जो प्राचीन संविधान है वो अमेरिका का ही आता है और अमेरिका का संविधान इस विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है और मित्रों जो जापान का संविधान है वो एशिया का प्रथम लिखित संविधान है जो अमेरिका का संविधान था उसके मूल संविधान में मित्रों प्रस्तावना नहीं थी किसी संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जोड़ी गई थी ऐड की गई थी लेकिन भारत के मूल संविधान में ही प्रस्तावना ऐड थी प्रारंभ से ही जुड़ी हुई थी और उसकी स्टार्टिंग हो रही है मित्रों हम भारत के लोग से वी द पीपल ऑफ इंडिया से तो ये शब्दावली जो मित्रों हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों ने अमेरिका से ली है और इसके दो अर्थ निकलते हैं पहला अर्थ तो यही होगा कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाले हैं कौन भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले कौन है भारतीय संविधान को पोषण करने वाले कौन है तो उसमें जवाब आएगा भारतीय जनता भारत के लोग पीपल तो संविधान का जो मुख्य स्रोत है मित्रों मुख्य स्रोत वो जनता है एक तो ये बात पता चली यहां से दूसरा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो न्याय की बात देने की बात कर रहे हैं स्वतंत्रता लाने की बातें कर रहे हैं समानता लाने की जो बात कर रहे हैं बंधुता लाने की जो बात कर रहे हैं ये सब करने वाला है कौन अंगीकृत करने वाले कौन है अधिनियमित करने वाले कौन है आत्मार्पित करने वाले लोग हैं ये कौन है तो ये सब मित्रों हम लोग हैं हम भारत के लोग हैं वी पीपल ऑफ इंडिया दैट मीन्स भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल कौन है सबसे शक्तिशाली कौन है तो उसमें भी आंसर आएगा जनता जनता जनार्दन होती है ये लाइन आपने सुनी ही होगी तो सबसे शक्तिशाली कौन है सबसे शक्तिशाली संविधान के अकॉर्डिंग तो इसमें भी मित्रों आंसर आएगा जनता ये दो बातें इस हम भारत के लोक शब्दावली से हमें पता चलता है जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिए उसके बाद मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं जो न्याय शब्द है उसको लेकर न्याय के बाद में मित्रों स्वतंत्रता शब्द है उसको लेकर जो समता शब्द है उसको लेकर और जो बंधुता शब्द है उसको लेकर एग्जाम में कहा प्रश्न बनते हैं मेरा फोकस वो चीजें आप लोगों को बताना ज्यादा रहेगा जैसे सिंपल सा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ है तो तीन प्रकार के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का मित्र उल्लेख हुआ है तो पांच प्रकार की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता का उल्लेख हुआ है तो दो प्रकार की अब यहाँ से अलग प्रकार के प्रश्न ये हो सकते हैं कि तीन प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं तो एक तो सामाजिक न्याय एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय ऑप्शन देकर यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है तो मित्रों आपको याद रखना है प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख किया हुआ नहीं है एक तो अच्छा प्रश्न ये उसी प्रकार से स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है तो पांच विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना ऑप्शन देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है आर्थिक न्याय है मित्रों लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है तो ये माइनस ही बातें हैं, जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है और एग्जाम के अंदर कई मर्तबा इनको पूछा भी जाता है समानता या समता कितने प्रकार की है तो एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता ठीक है तो ये बातें याद रखनी है इनके अलावा कुछ प्रश्न ये भी हैं कि न्याय की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है स्वतंत्रता समता और बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है तो मित्रों हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जो न्याय की अवधारणा है ये मित्रों सोवियत संघ से ली गई है सोवियत संघ सोवियत संघ कह दीजिएगा या यूएसएसआर कह दीजिएगा बोथ आर सेम न्याय न्याय के बाद स्वतंत्रता समता और बंधुता ये जो तीनों मित्रों आप शब्द देख पा रहे हैं ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति आप लोगों को मित्रों जानकारी होगी इस बात की कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन का खासा महत्वपूर्ण स्थान है जगह है वो फ्रांस की क्रांति मित्रों सेवनटीन में गठित हुई थी और उस फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समता और बंधुता तो वहां से हम लोगों ने कॉपी किया स्वतंत्रता समता और बंधुता की अवधारणा एक प्रश्न मित्रों ये भी पूछा जा सकता है जो कुछ अलग प्रकार से है मैं प्रश्न पूछकर या लिखकर आपसे वो डिस्क्राइब करता हूं न्याय की अवधारणा का उल्लेख है न्याय की अवधारणा का उल्लेख है अब इसमें चार ऑप्शन ये हो सकते हैं प्रस्तावना तो होगा हो ही होगा क्योंकि आपने प्रस्तावना में न्याय पढ़ रखा है याद होगा आपको इस प्रस्तावना के अलावा और न्याय कहां पर है तो इसमें ये ऑप्शन ऐसे करके दिया जा सकता है भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पाँच ऐसे करके ऑप्शन हो सकते हैं तो मित्रों हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रस्तावना तो केवल एक आईना है प्रस्तावना के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रस्तावना के जितने भी तत्व हैं जितने भी शब्द हैं इन शब्दों को संविधान के भागों में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है तो प्रस्तावना के सारे शब्द वहां पर आपको आगे संविधान के भागों में डिस्क्राइब किए हुए मिलेंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो ये न्याय तीन प्रकार के हम लोग सुनते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इसके लिए हमें भाग संख्या चार में जाना पड़ेगा भाग संख्या चार को मित्रों हम लोग डीपीएसपी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में ऐसे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व तो कहा जाता है और मैं आर्टिकल्स की भाषा में यदि बात करूं तो अनुच्छेद 36 सिक्स से लगाकर 51 फिफ्टी तक इसमें गिने जाते हैं और इसके बीच में मित्रों एक आर्टिकल आता है 38 अनुच्छेद 38 और इस अनुच्छेद 38 में ये लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाने के प्रयास करेगा जिससे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्तियां हो सके दैट मीन्स राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाएगा ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे ये तीनों प्रकार के न्याय है वो जनता को मिले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तो न्याय की अवधारणा एक तो प्रस्तावना में देखने को मिलती है और एक भाग संख्या चार में देखने को मिलती है तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक होगा अब भाग संख्या चार वगैरह ये मित्रों ऑप्शन में नहीं हुए तो इनकी जगह ऑप्शन में हो सकता है मौलिक अधिकार या नीति निदेशक तत्व या हो सकता है मूल कर्तव्य तो भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है सीधा आपका होगा प्रस्तावना व नीति निदेशक तत्व ये भी ऑप्शन है मित्रों नहीं दिए हुए हैं तो इनकी जगह पर आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल 25 आर्टिकल 38, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, तो उसमें मित्रों आपको सीधा आर्टिकल पे क्लिक करना है आर्टिकल 38 तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो एक तो ये न्याय की बात हो गई उसके अलावा जो स्वतंत्रता के कंसेप्ट हैं, वो मित्रों कहाँ पर दिए हुए हैं तो वो देख लीजिए और उसके बाद जो समता के कंसेप्ट हैं, वो कहां पर दिए हुए हैं और उसके बाद बंधुता के जो कंसेप्ट हैं, वो कहाँ पर दिए हुए मैं इन तीनों की बातें करके आगे बढ़ूंगा स्वतंत्रताएं जैसे मित्रों पांच है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना उपासना का अर्थ होता है वर्षिप अपने ईश्वर को मनाने का तरीका आप अपने ईश्वर को किस तरह से मनाते हैं उसकी पूजा आराधना भक्ति किस प्रकार से करते हैं वो उपासना है तो ये विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आपको भाग तीन में देखने को मिलेगी भाग तीन का नाम फंडामेंटल राइट्स right है मौलिक अधिकार है और यहां पर मित्रों के अंदर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है स्वतंत्रता की बात वहां पे की गई है और ये जो विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है इसके लिए भी यही भाग संख्या तीन काम आएगा और इसमें मित्रों जो आर्टिकल 25 है अनुच्छेद जो 25 दिया हुआ है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की और विश्वास और उपासना के स्वतंत्रताओं की बातें उसमें की गई है तो ये याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट मित्रों हम लोग देखते हैं कि ये जो समता दी हुई है जिसको हम लोग लो समानता कहते हैं ये समानता की अवधारणा एक तो प्रस्तावना में है और उसके अलावा कहाँ पर है तो उसके लिए मित्रों हमें वापस मौलिक अधिकार में जाना पड़ेगा और मौलिक अधिकार में मित्रों जो आर्टिकल 16 है अनुच्छेद 16 इसमें अवसर की समानता की बात की हुई है वहाँ पे लिखा गया है कि भारत के जितने भी सभी जो नागरिक हैं मित्रों उन्हें लोक नियोजन प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा या प्रदान किया जाएगा लोक नियोजन का अर्थ होता है सरकारी नौकरी से सरकारी सेवा से तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का अवसर सभी को दिया जाएगा आप ऐसे में समझिए कि सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी ऐसा संविधान में लिखा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है संविधान में लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे जो आर्टिकल 16 में लिखे हुए हैं ठीक है ठीके? तो अवसर की समानता अनुच्छेद सोलह में भी है और प्रस्तावना में भी है बंधुता कहाँ पर है वो देखिएगा बंधुता के लिए मित्रों हमें भारतीय संविधान का भाग चार ए देखना पड़ेगा भाग चार ए का नाम मौलिक कर्तव्य है मित्रों फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं जिसको हम लोग और इस मौलिक कर्तव्यों के लिए एक ही आर्टिकल भारतीय संविधान में लिखा गया है वो 51 ए है और इनमें टोटल में मित्रों 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इस 11 कर्तव्यों में से हम लोग यदि पांचवा मौलिक कर्तव्य मित्रों देखें तो वहां पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है समान भातृत्व कॉमन ब्रदरहुड इसका तुलनात्मक जो शब्द है वो मित्रों हम लोग बंधुता से मान सकते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बंधुता की अवधारणा है ये बंधुता की अवधारणा प्रस्तावना में भी दी हुई है और उसके अलावा भाग चार ए में भी है चार ए ऑप्शन में नहीं होगा तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में होगा मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में नहीं होगा तो आर्टिकल 51 ए ऑप्शन में होगा और उसमें भी यदि पूछा जाए कि कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है तो पांचवा मौलिक कर्तव्य उसका सही जवाब होगा जहां पर समान तो शब्दावली दी गई है ठीक है तो वो बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है तो ये मित्रों प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द थे जिसको लेकर के हम लोगों ने चर्चाएं की कि भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना के अंदर ये इंपॉर्टेंट शब्द क्यों जोड़े गए और जनता को न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता जैसे शब्द देने के लिए क्यों कहा गया है तो उनका इतना डेफ्थ में अर्थ होता है अब मित्रों मैं एक प्रश्न डील करूंगा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी या ये प्रश्न क्यों जन्मा तो उसके लिए मैं एक जवाब दूंगा आपको प्रस्तावना में संशोधन तभी हो सकता था जब उसे संविधान का भाग ऐसा माना जाए बिना संविधान के भाग हुए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकेगा इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया क्या प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का भाग माने और भाग माने तो फिर उसमें संशोधन करें तो इस प्रश्न को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस या विवादों के अंदर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग आंसर्स वहाँ पर दिए मैं कुछ उन केसों के नाम लेना चाहूँगा जिन केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नो no डाउट नहीं किया जा सकता और फिर दो केसों के नाम वो बताऊंगा जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं प्रस्तावना संविधान का अभिनंग है बिना प्रस्तावना के संविधान की कल्पना भी नहीं हो सकती ऐसे अलग अलग केसों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग जवाब दिए तो मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान का एक केस था सज्जन सिंह हाँ बनाम राजस्थान राज्य नाइनटीन सिक्सटी फाइव एक और केस का नाम शायद आपने सुना हो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ये वो दोनों मुख्य केस थे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं सजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का जो केस था यह केस मुख्य रूप से यह व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया था कि मौलिक अधिकारों के अंदर मित्रों जो आर्टिकल 13 है वो और आर्टिकल जो 32 है वो इनमें क्या अलग हो सकता है क्या ये दोनों अंतर नहीं थे उसको लेकर के केस आया था मामले उठे थे और दूसरा मित्र जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये जो मामला था वो संपत्ति के अधिकार को लेकर के उस मामले को लेकर केस बना था पंजाब राज्य के अंदर ही मित्रों एक दो भाई हुआ करते थे हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ और उसको ले उनके पास 500 एकड़ से ज़्यादा कुछ भूमि हुआ करती थी और एक कोई स्टेट एक्ट था जिसके अंदर ये था कि यदि कोई सगे भाई हैं तो उनमें प्रत्येक व्यक्ति को तीस एकड़ भूमि से ज़्यादा नहीं दी जा सकती और बाकी उनकी भूमि को गवर्नमेंट अप, अपने अंडर कंट्रोल कर सकती ऐसा कोई एक्ट बना हुआ था तो उसके अगेंस्ट में ये केस मार्केट में आया था सुप्रीम कोर्ट में आया था तो हमें तो मोटा मोटा इतना ही ध्यान रखना है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नाइनटीन और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 ये दो बड़े केस थे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय मना करेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इस कारण से उसमें भी संशोधन नहीं हो सकता दूसरी तरफ दो केसों के नाम में और लूंगा एक केस आया मित्रों 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य स्टेट ऑफ केरला इन 1973 और एक 1992 में केस आया एस आर बॉम्बई एस आर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये दोनों केस मित्रों ऐसे थे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह खुलकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं प्रस्तावना संविधान की मौलिक संरचना है प्रस्तावना संविधान का अभिनंदन है और बिना संविधान बिना प्रस्तावना के संविधान की कल्पना करना भी मूर्खता है या नहीं की जा सकती दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हृदय है प्रस्तावना संविधान का मूल डॉक्यूमेंट है मूल दस्तावेज है ऐसे करके प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सबसे पहली बार और उसके बाद एस आर बॉम्बई बनाम भारत संघ वाले केस के अंदर भी इसे स्वीकार किया गया था तो आज की तिथि में हम लोग ये मानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है अमेंडमेंट हो सकता है उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी आसानी से मतलब जो भी प्रोसेस है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग भाग 20 के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है उसके अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है तो अब अगला प्रश्न मित्रों ये होगा क्या प्रस्तावना में आज तक एक भी बार संशोधन हुआ है क्या तो हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना में संशोधन सुनिए बातें प्रस्तावना में संशोधन की वर्तमान तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है बातें उस समय की है मित्रों जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर देश के अंदर आर्टिकल थ्री फाइव टू का यूज़ लिया गया था और एमरजेंसी लगाई गई थी उस एमरजेंसी के दिनों में बयालीसवां संविधान संशोधन हुआ और उस बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा ही इस प्रस्तावना में भी तीन नए शब्द जोड़े गए थे मैं आप लोगों को बता देता हूँ बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में हुआ इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हुआ इस बयालीस संविधान संशोधन को मित्रों लघु संविधान कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक संविधान संशोधन के द्वारा लगभग भारतीय संविधान के 56 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था अमेंडमेंट किया गया था इसलिए बहुत बड़ा संविधान संशोधन होने के कारण इसे अपने आप में एक लघु छोटा संविधान भी कहा जाता है बयालीसवें संविधान संशोधन को यह बयालीसवें संविधान संशोधन मित्रों एक व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी मित्रों सरदार स्वर्ण सिंह समिति इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर यह संविधान संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार ने किया था एक प्रश्न ये भी याद रखना चाहिए कि बयालीसवां संविधान संशोधन मित्रों तीन जनवरी 1977 के दिन लागू हुआ था 1977 से लागू आजकल के एग्जामों में मित्रों कुछ अलग प्रकार के विरले प्रकार के प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें फैक्ट के रूप में तथ्यों के रूप में याद रखनी पड़ेगी तो बयालीस संविधान संशोधन हो रहा है मित्रों इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा और प्रस्तावना में मित्रों तीन नए शब्द जोड़े जा रहे हैं तीन कौन कौन से नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए वो देखिएगा सबसे पहला जो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा मित्रों वो जोड़ा समाजवादी सोशलिस्ट दूसरा मित्रों जो शब्द जुड़ा जिसको हम लोग सेक्युलर बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में जिसे पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता कहा जाएगा और तीसरा जो मित्रों शब्द जोड़ा गया वो शब्द था और अखंडता ये तीन नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जुड़े हैं जो कि 1950 में जब संविधान की प्रस्तावना बनी थी उसमें नहीं थे ये जो दोनों शब्द ये फर्स्ट पैरा में जुड़े और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये सिक्स पैरा में जुड़े तीन नए शब्द भारतीय संविधान के अंदर जोड़े गए थे इंदिरा गांधी सरकार की कई बार आलोचना भी की जाती है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द तो आपने 1976 में जोड़ा क्या उससे पहले क्या यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने से पहले भारतीय देश या भारत देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था इसको लेकर के कई बार कांग्रेस सरकार की या इंदिरा गांधी सरकार की आलोचना की जाती है उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है यह संशोधन की बातें अब मित्रों मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे और बात कर लेता हूं कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है नेचर ऑफ द प्रियम्बल प्रस्तावना की प्रकृति ये थोड़ा समझने का विषय है ध्यान देने का विषय है आप लोग सुनिएगा ढंग से भारतीय संविधान के मित्रों जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी नेचर होती है अपनी अपनी प्रकृति होती है मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि प्रकृति कुल दो प्रकार की होती है एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक कुछ तत्व सकारात्मक प्रकृति के होते हैं कुछ नकारात्मक प्रकृति के होते हैं तो पहले तो मैं आप लोगों को इन दोनों तरह की प्रकृति के बारे में गहराई से बता देता हूँ उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि प्रस्तावना की प्रकृति कौन सी है और प्रस्तावना की प्रकृति यदि नकारात्मक सकारात्मक से कोई भी एक होगी वो है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय संविधान पर वो भी मैं आपसे बात करूँगा मैं पहले शुरुआत करता हूं सकारात्मक प्रकृति से भारतीय संविधान के जिन तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है उन्हें लागू करना सरकार के लिए या मैं ऐसा कह दूं कि राज्य के लिए कंपलसरी नहीं होता अनिवार्य नहीं होता जरूरी नहीं होता सरकार की इच्छा है राज्य की इच्छा है तो उन्हें लागू करे और सरकार की इच्छा नहीं है तो लागू उनको न करे ऐसा नहीं होगा कि यदि वो लागू नहीं हुए तो कोई ऑब्जेक्शन के आधार पर कोर्ट कचहरी की शरण ले लेगा या कोई न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा देगा ऐसा सकारात्मक प्रकृति वाले तत्वों के साथ में नहीं होता दूसरी तरफ मैं बात कर लू नकारात्मक प्रकृति के तत्वों की तो जिन तत्वों की प्रकृति मित्रों नकारात्मक होती है उन्हें लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा जरूरी होगा अनिवार्य होगा सरकार के पास राज्य के पास लागू करने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है और यदि लागू नहीं किया गया या कहीं भी कोई खामी नजर आई तो जनता उसको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है न्यायपालिका की शरण ले सकती है ये दोनों तरह की प्रकृति में भेद होता है दोनों तरह की प्रकृति में अंतर होता है अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कौन से तत्वों की प्रकृति कौन सी है जैसे प्रस्तावना की प्रकृति सकारात्मक डीपीएसपी की प्रकृति भी सकारात्मक मूल कर्तव्य की प्रकृति भी सकारात्मक और दूसरी तरफ जो मौलिक अधिकार होते हैं मित्रों इनकी प्रकृति मौलिक अधिकारों की प्रकृति नेगेटिव होती है नकारात्मक होती है तो अर्थ यह हुआ कि यदि प्रस्तावना की प्रकृति सकारात्मक है तो इसकी बातों को लागू करना कोई अनिवार्य नहीं है और प्रस्तावना की यदि कोई बात सटीक रूप से सत प्रतिशत रूप से लागू नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि 100 परसेंट लागू नहीं होने पर हम लोग न्यायपालिका की शरण तो ले ही नहीं पाएंगे तो सकारात्मक प्रकृति वाले तत्वों में प्रस्तावना है डी यानी नीति तत्व है और मौलिक कर्तव्य है और नकारात्मक वालों में मौलिक अधिकार है जिन्हें लागू करना ही पड़ता है सरकार के पास या राज्य के पास लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है अब इसको लेकर के प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं वो बातें मैं कर लेता हूं आपसे प्रस्तावना वाद योग्य होता है एक ये कथन है एक कथन है प्रस्तावना न्याय योग्य होता है और कथन है प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है अब इन तीन कथनों पर हम विचार करेंगे क्या ये कथन सही है या गलत है पहला कथन है मित्रों की प्रस्तावना वाद योग्य होता है हमने ये जाना है कि प्रस्तावना की प्रकृति सकारात्मक है सकारात्मक प्रकृति का अर्थ है कि लागू करना जरूरी नहीं और लागू करना जरूरी नहीं तो न्यायपालिका की शरण नहीं ले पाएंगे और न्यायपालिका की शरण यदि ले ही नहीं पाएंगे तो मित्रों वाद विवाद कैसा तो न्याय कैसा दैट मीन्स प्रस्तावना वाद योग्य नहीं होता कथन गलत प्रस्तावना योग्य होता है कथन गलत दोनों कथन गलत है असत्य है एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यदि इन प्रस्तावना की जगह मौलिक अधिकार लिखा हुआ होता फंडामेंटल राइट लिखा हुआ होता कि फंडामेंटल राइट योग्य होते हैं बिल्कुल ठीक फंडामेंटल राइट right, वाद योग्य होते हैं बिल्कुल ठीक क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है राज्य के पास लागू करने के अलावा और लागू नहीं करेगा तो जनता जा सकती है न्यायपालिका में और न्यायपालिका में जाएगी तो वहाँ पर वाद विवाद भी, भी होंगे न्याय योग्य भी होगा तीसरा कथन है मित्रों प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है प्रवर्तनीय का मतलब होता है उसे लागू करने की शक्ति रखने वाला तो यदि न्यायपालिका में जा ही नहीं पाएंगे तो प्रवर्तनीय कैसे होगा दैट मीन्स प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं होता है तो ये कथन जो होता है लिखा वो गलत होगा ठीक है और यही बात यदि फंडामेंटल राइट right के बारे में पूछी जाएगी कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी होते हैं तो बिल्कुल ठीक होगा वो कथन होते हैं इसमें तो ये मित्रों प्रस्तावना की प्रकृति थी वो हम लोगों ने चर्चा की अब कुछ और फैक्चुअल चीज़ें प्रस्तावना के संदर्भ की है वो सुनिएगा प्रस्तावना में मित्रों एक तिथि दी हुई है 26 नवंबर 1949 उसका क्या महत्व है वो देखिए 26 नवंबर उन्नीस एक तो अच्छा प्रश्न यही है मित्रों कि 26 नवंबर के दिन उन, 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से बनकर तैयार पूर्ण रूप से बनकर तैयार हम लोग कहते हैं ना कि भारतीय संविधान को बनने में दो वर्ष ग्यारह माह और अठारह दिन का समय लगा तो यह जो अवधि है मित्रों कहां से लगाकर कहां तक काउंट की जाती है तो यह जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लगाकर जो अभी डेट प्रस्तावना में दी गई है 26 नवंबर उन्नीस सौ उनपचास यहां से लगाकर यहाँ तक की जो पूरी अवधि है मित्रों ये दो वर्ष ग्यारह और अठारह दिन है तो 26 नवंबर उन्नीस सौ उनपचास को एक तो ये याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था दूसरा इसी दिन जो मित्रों टोटल तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद है इनमें से कुछ अनुच्छेद हम लोगों ने इसी दिन लागू कर दिए थे जैसे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं नागरिकता से संबंधित प्रावधान नागरिकता से संबंधित प्रावधान एक तो राष्ट्रपति की शपथ जो आर्टिकल साठ है सिक्सटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग इनसे संबंध रखने वाले लगभग मित्रों हम लोगों ने 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए थे इस कारण ये प्रश्न कई मरतबा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ था आंशिक रूप से लागू आंशिक रूप से लागू कब हुआ था आंशिक रूप से लागू तो आंशिक रूप से लागू भी मित्रों इसी तारीख को हुआ है 26 नवंबर उन्नीस और आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर को इसलिए मित्रों हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्रों 26 नवंबर को संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है बात याद रखनी चाहिए हमें ठीक है उसके अलावा प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं मित्रों वो हमें याद रखने पड़ेंगे प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है परिचय पत्र है ये किसने कहा तो एन पालकी वाला ये बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हुए एन पालकी वाला उनका ये स्टेटमेंट है प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है एक मित्रों ये कथन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की जन्म कुंडली है या जन्मपत्री है ये किसने कहा तो ये कन्हैयालाल माणिकीलाल मुंशी के एम मुंशी जो थे मित्रों उनका कथन है ये याद हमें रखना है और एक जो हमें सभी स्टूडेंट्स को मेरे अकॉर्डिंग याद ही होगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा जाता है संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है ये सबसे पहले कहा था मित्रों ठाकुरदास भार्गव ने ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था और ठाकुरदास भार्गव ऑप्शन में नहीं मिले मित्रों तो फिर उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू को क्लिक कर सकते हैं कि यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कुछ स्टेटमेंट है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे लेकर जो बार बार कई एग्जामों में पूछे जाते हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं कुछ बातें जैसे ये तीन शब्द हमें प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में दिखाई देते हैं अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित इनके क्या अर्थ होते हैं तो अंगीकृत जो शब्द है मित्रों उसके लिए इंग्लिश का शब्द आता है एडॉप्ट अधिनियमित के लिए आता है मित्रों इनेक्ट और आत्मार्पित के लिए आता है मित्रों टू गिवर सेल्फ आत्मार्पित का मतलब होता है संविधान स्वयं को सौंपना भारत की जनता बनाकर स्वयं के लिए बना रही है स्वयं को सौंपना अधिनियमित का अर्थ होता है मित्रों लागू करना और अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना इन शब्दों को भी कई बार पूछा जा सकता है तो इनको भी ध्यान में रखना है ठीक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर एक दो बातें और जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है तो इसमें अमेरिका आंसर आएगा सर्वाधिक प्रभाव और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की स्क्रिप्ट है शैली है वो किस देश के संविधान से कॉपी की गई है या कहाँ से ली गई है मित्रों तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जवाब आ सकता है ऑस्ट्रेलिया ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर मित्रों हम लोगों ने प्रारंभ से कुछ बातें की मैंने सबसे पहले आप लोगों से चर्चा की कि आज के चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी क्वारी हो कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके अपना रिप्लाई दे सकते हैं बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारी तरफ से सर्वोदय संस्थान की तरफ से आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के और एग्ज़ाम प्रस्पेक्टिव से काम आने वाले वीडियोस लगातार मैं शेयर करता रहूँगा और आपका प्रेम भी बनाए रखिएगा धन्यवाद